हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन GURUKUL.com। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो झींगा मछली होती है, झींगा ठीक है, श्रिम्प और प्रॉन ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों सेम नहीं है और सेम भी है ठीक है। और एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला कि इन दोनों में से डिफरेंस क्या है, लेकिन इन दोनों के पैरामीटर्स अलग होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट, इनकी ट्रांसपेरेंसी, पीएच ठीक है, फ्रेवन की अलग होगी और श्रिम्प की अलग होगी ठीक है। तो इनमें आप बहुत कंफ्यूज होगे, क्योंकि कई जगह पे श्रिम्प की जगह पे प्रेवन का वर्ड यूज़ होगा ठीक है, और प्रेवन की जगह पे श्रिम्प वर्ड यूज़ होगा, तो वहाँ पे जाकर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों एक साथ कैसे आ गए ठीक है। तो बता दूं कि ये झींगा मछली होती है ठीक है। तो सबसे पहले श्रिम्प और प्रॉन का हम ये जान लें कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं ठीक है, कॉमन कैसे हैं ये दोनों ठीक है। बोथ आर द झींगा मछली, मैं बता चुका हूँ ठीक है। इन दोनों में कॉमन है इनका ऑर्डर, और इनका जो ऑर्डर है वो है डेकापॉड ठीक है। डेकापॉड आपको ये याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इनका ऑर्डर डेकापॉड है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा शायद ही पूछा जाए। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इतनी डेप्थ में एक बार आपने ये वीडियो देख ली, उसके बाद आपको जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो तो याद रहेगा ही, और आप जब इसे इन दोनों के नोट्स पढ़ोगे, श्रिम्प के अलग से और प्रॉन के अलग से, तो आपको जो डाउट्स होंगे, जो याद करने में प्रॉब्लम्स आएगी वो नहीं आएगी ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में श्रिम्प पे भी एक क्वेश्चन आया था 2018 में, और प्रॉन पे भी एक क्वेश्चन था, जो प्रॉन का पूछा गया था, इसका कल्चर पीरियड पूछा गया था ठीक है, कितना होता है मोनोकल्चर में, और श्रिम्प में पूछा गया था कि इसका सेमी इंटेंसिव जो सिस्टम होता है, फॉर्मिंग होती है, उसका एरिया पूछा गया था। चलिए, तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो डेकापॉड्स है ये ऑर्डर है, और ये दोनों बिलोंग करते हैं डेकापॉड से। अब डेकापॉड क्या है, डेका का मतलब 10, अब देखिए 10, और पॉड का मतलब पैर, पैर मैं हिंदी में लिखता हूँ पैर ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के 5 pairs ऑफ फूट ठीक है, 5 pairs होते हैं फूट के, मतलब टोटल देखा जाए तो 10 feet हो गए ठीक है। तो इसीलिए इसे डेकापॉड कहते हैं इस ऑर्डर को ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा। अब बात करते हैं इनका फ्लेवर, फ्लेवर इनका बिल्कुल सेम होता है ठीक है, और इनमें जो ये कॉमन वर्ड यूज़ हुआ है क्रस्टेशंस, इसका मतलब क्या है ठीक है। क्रस्टेशन किसे कहते हैं, ये एक ग्रुप होता है ठीक है, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट एनिमल्स का ठीक है। एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट क्या होता है कि वो एनिमल जिनके बैकबोन नहीं होती, उन्हें कहते हैं इनवर्टिब्रेट ठीक है। तो ये एक्वेटिक पानी में रहने वाले इनवर्टिब्रेट एनिमल्स ठीक है का ग्रुप होता है। लाइक इनका कौन कौन होते हैं, क्राब ठीक है, श्रिम्प, प्रॉन, लॉबस्ट्रो ठीक है, ये सभी क्रस्टेशंस कहते हैं इन्हें ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इनमें सिमिलरिटी थी, लेकिन सिमिलरिटी ये सब कुछ भी नहीं पूछे जाने वाला एग्ज़ाम में, जो आपको इस वीडियो समझाने का जो मेन मोटिव है, क्योंकि आप जब इनके डेप्थ में पढ़ोगे, इनकी पूरा का पूरी आप जब PDF पढ़ोगे और इसका पूरा पूरा पढ़ोगे जब, तब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि प्रॉन और श्रिम्प में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए अब देखते हैं दोनों का डिफरेंस ठीक है। तो जो मेजर डिफरेंस है, आपको सिर्फ एक ही डिफरेंस याद रखना है, और वो डिफरेंस ये है कि जो श्रिम्प होती है ये मैरीन वाटर में पाई जाती है ठीक है, और जो प्रॉन होती है ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है, इसीलिए इसे जिएंट फ्रेश वाटर प्रॉन बोलते हैं ठीक है, या जिएंट फ्रेश वाटर सॉरी जिएंट रिवर प्रॉन बोलते हैं ठीक है। रिवर और फ्रेश वाटर का एक ही मतलब है ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है, श्रिम्प जो है ये मैरीन वाटर में पाई जाती है, पर लिटिल केस में प्रॉन को हम स्लाइटली सैलिन वाटर में ग्रो कर सकते हैं, पर वो अर्ली स्टेज में, बहुत अर्ली स्टेज में, बहुत कम केसेस में इसे ग्रो कर सकते हैं सैलिन वाटर में, पर वो अब बहुत अर्ली स्टेज में। उसके बाद आता है जो श्रिम्प है ठीक है, इस सैलिन वाटर में
ग्रो किया जाता है। और इसमें जो पैरामीटर्स हैं, जो मेजर पैरामीटर्स में जो डिफरेंस है वो बता देता हूँ, बाकी इनके बहुत पैरामीटर्स हैं जिनके सभी में डिफरेंस होता है, ठीक है, मेजर बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। क्योंकि इसमें जो श्रिम्प की हार्वेस्टिंग की जाती है, कल्चर पीरियड होता है, ठीक है, वो कल्चर पीरियड इसको 4 से 5 मंथ के अंदर अंदर इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है, 120 से 150 डे, 4 से 5 मंथ, ठीक है। तो इसकी सैलिनिटी है, नॉर्मल सी बात है, अगर ये मैरीन वाटर में इसका कल्चर किया जा रहा है तो सैलिनिटी ज़्यादा होगी प्रवण की तुलना, प्रवण की कितनी है 10 PPT से कम होनी चाहिए, ऑप्टिमम है, ठीक है, इतनी होनी चाहिए फ्रेश वाटर में, लेकिन यह मैरीन वाटर है तो यहाँ 10 से 25 PPT, ठीक है। तो और प्रवण को जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो की जाती है 6 से 8 मंथ में, अगर मोनोकल्चर है, मोनोकल्चर का मतलब हम एक सिंगल प्रवण को ही कल्चर कर सकते हैं, और अगर इसके साथ कार्प का या किसी और का कल्चर किया जा रहा है, ठीक है, पॉलीकल्चर किया जा रहा है, तो जो कल्चर पीरियड होगा, हार्वेस्टिंग पीरियड होगा, वो होगा 8 से 12 मंथ, यहाँ पे 6 से 8 है क्योंकि मोनोकल्चर का कंडीशन लगी हुई है। चलिए, टेम्परेचर में भी बहुत डिफरेंस होता है, मरीन वाटर में जो टेम्परेचर होना चाहिए श्रिम्प के लिए वो है 26 to 32 degrees Celsius, और यहाँ पे जो है ये है टेम्परेचर 28 से 31 degrees Celsius, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ये सैच डिस्क से चेक की जाती है, सैच डिस्क का मैंने एक पहली वीडियो में बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी, वाटर की ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे है 35 सेंटीमीटर और यहाँ पे 25 से 40 सेंटीमीटर। तो चलिए, प्रवण और श्रिम्प का हमने डिफरेंस देख लिया है, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, वैसे इनके डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे तो इनकी अगर पूरा मॉर्फोलॉजी के देखा जाए तो इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है, वैसे इतना कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, इनके साइंटिफिक नेम भी अलग अलग होते हैं। जैसे श्रिम्प का देखा तो श्रिम्प के जो मेजर स्पीसीज पाई जाती हैं इंडिया में वो है फिनियस मोनोडोन एंड फिनियस इंडिकस, ठीक है, ये मेजर पाई जाती हैं। और अगर यही प्रवण का देखा जाए तो यह है मैक्रोबेचेरियम, ठीक है, रूजनबर्गी, ये बहुत पाई जाती है, और एक और है जो पाई जाती है वो है मैक्रोबेचेरियम आइडला, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम अगर आपको याद होते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको टफ लग रहे हैं तो आप सिंपल प्रवण और श्रिम्प का याद रख लीजिएगा, और बस इतना याद रख लीजिएगा कि जो प्रवण है ये फ्रेश वाटर में इसका कल्चर किया जाता है, और जो श्रिम्प है इसका मैरीन वाटर में किया जाता है। अगर आपको इतना भी याद रह जाता है तो इनके आपको पैरामीटर्स याद करने में बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, IBPS AFO का कंप्लीट सिलेबस कवर किया जा रहा है, आपको स्टडी मटेरियल, ठीक है, डेली क्विज वगैरह और मॉक टेस्ट ये सब मिल जाएगा gurukulagri.com पे। और ज़्यादा क्वारी के लिए आप मेल डाल सकते हो, हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, और हमारी आगे आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप बेल का आइकन जरूर दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।